बलरामपुर जिले के तुलसीपुर विकासखंड अंतर्गत महराजगंज तराई क्षेत्र के सरयू नहर माइनर कट जाने से तिवारी डीह कनाहरा लेबुड्डी बिकवाल गांव के किसानों की फसल पानी में डूब गई। स्थिति को देखते हुए किसानों ने अब नहर विभाग और सरकार से उनके नुकसान की भरपाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। वहीं प्रशासन अभी तक इस मसले पर सक्रिय नहीं दिखा है। हाल ही में नहर विभाग ने पानी छोड़ा है। नहर का कार्य अधूरा है जिसके चलते सैकड़ों बीघा गेहूं और सरसों तो मसूर की फसल जलमग्न हो गई। वहीं किसानों को रबी की फसल से बेहद उम्मीद थी, लेकिन बेमौसम हुई बरसात के कारण रबी की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। पूरी हो हमारी मांगे, पूरी हो हमारी मांगे, पूरी हो हमारी मांगे, पूरी हो रहा हूँ। ये नहर जो है बिल्कुल बेकार है, अनकम्प्लीट है, कहीं एक व्यवस्था किया नहीं गया है, पानी अनर्गल छोड़ देते हैं। पांडे कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कनारा। तो ये जो नहर का पानी आया हुआ है, इस संबंधित में आपने किसी को सूचना दिया है? एक बार नहीं, कई बार हम लोग, मतलब जितने भी गांव के इस यहाँ पे पास में जितने लोगों का खेत है, उन सभी लोगों ने जेई को जब मतलब फोन किया, वो आए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जब तक ये नहर कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक पानी इस नहर में नहीं आएगा। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।